हाय एवरीवन, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी हाँ फ्रेंड्स, ये ऐसे ही बनेगी जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये मैंने से बनाया है, ये खस्ता कचौड़ी, ये मटर की फिलिंग के साथ है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है रेसिपी, आप एक बार से ट्राई ज़रूर करिएगा। और देखिए इसकी फीलिंग आप देख सकते हैं कितनी गजब की लग रही है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाजवाब, आप इसको डिनर में, इवनिंग स्नैक्स के रूप में या ब्रेकफास्ट में कभी भी बना के इसे एंजॉय कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्रेड और मटर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही चटपटी होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है, इसको बड़े और बच्चे बहुत ही मन से खाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम कुछ ब्रेड की स्लाइसेस ले लेंगे और इसको हम ऐसे तोड़ के मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल देंगे। इसको हम पीस लेंगे और इसका बारीक सा हम पाउडर बना लेंगे, जैसे हम ब्रेड क्रम बनाते हैं कुछ उस तरीके से। और ये देखिए, ये कितने अच्छे से ब्रेड क्रम हो गया है। और इसको निकाल लेंगे। अब इस ब्रेड क्रम को हम इस बोल में शिफ्ट कर लेंगे। देखिए कुछ ही ब्रेड से ये कितना सारा हो गया ब्रेड क्रम। ये देखिए कितना अच्छा बन गया हमारा ब्रेड क्रम। अब इसको रखते हैं हम साइड पे और इसमें हम डालेंगे ये हमारे हरे मटर और इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। और इसे देखिए, हमने दरदरा पीस लिया है। ये देखिए, अब आइए देखते हैं आगे की प्रोसेसिंग। यहाँ हमने लिया है एक चॉपर, उसमें डाला है हमने 2 मीडियम साइज के प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और साथ ही थोड़ा सा हम डालेंगे अदरक। ये हमने ऐड कर दिया है अदरक और बस इसको बहुत अच्छे से हम इस चॉपर में चॉप कर लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से चॉप हो गया है, ये देखिए, है ना। चलिए आइए देखते हैं आगे की प्रोसेसिंग। और अब यहाँ हम गैस की फ्लेम को ऑन करके लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे हम जीरा, साथ ही थोड़ी सी हींग और ये प्याज। और बस इसको कलर चेंज होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ये हमारे पीसे हुए मटर। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के बेसन। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा, तो बेसन जरूर ऐड करें। तो इसको बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लें। मटर के साथ ये बेसन भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। अभी इन्हें हम ऐसे ही चलाते हुए धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, मटर हमारे थोड़े से भुन चुके हैं तो इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सब्जी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, फिर डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, फिर इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च, साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर। और सबसे मेन इन्ग्रीडियंट इसकी है ड्राई मैंगो पाउडर। और बस इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो मसाले पहले भी डाल सकते हैं जब आप प्याज भून रहे हों, लेकिन मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे मटर को बहुत अच्छे से भूनना था, तो ये मसाले जले ना, इसलिए मैंने जब मटर आधा भून गया है तब मैंने इस मसालों को डाला है। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं। और बस इसको बहुत अच्छे से आप ऐसे ही भूनते चले जाइए। इसी में हमारे जो मसाले हैं वो भी भून जाएंगे और मटर भी बहुत अच्छे से भून जाएंगे। ये देखिए, थोड़ी देर और इसको ऐसे ही चलाते हुए हम पका लेंगे।
और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है, आप चाहे तो इसे स्नैक्स के रूप में, चाहे तो आप डिनर में या ब्रेकफास्ट में कभी भी इसे बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और ये सभी को बहुत पसंद भी आएगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग ये डन हो चुका है और एकदम देखिए भुरभुरा सा हो गया है। तो इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे स्टफिंग को ठंडी होने देंगे। तब तक हम करते हैं आगे की प्रोसेसिंग जो कि ठंडा हो रहा है। अब हम लेंगे ये ब्रेड क्रम और इसमें हम डालेंगे आलू। आलू को हम इस मोटे वाले से ग्रेट करके डालेंगे, कम से कम 7 से 8 आलू डालेंगे। अगर बड़े साइज के हैं तो 4 से 5 में बड़े आराम से हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, पर मैं बच्चों के लिए भी बना रही हूँ तो मैं चिली फ्लेक्स नहीं डालूंगी और मैं इसको अच्छे से बाइंड करके देख लूँगी कि ये बाइंड हो रहे हैं या नहीं। हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा नमक। ये देखिए एकदम डो के फॉर्म में हो गया है। अब मैं अपने हाथ को वॉश कर लेती हूँ। अब मैंने हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिपके ना। बस ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम लेंगे इसके एक पेड़ा लेंगे हम और बस इसको बहुत अच्छे से रोल आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम गोल कर लेंगे। अब इसके बीच में भरेंगे हम हमारी स्टफिंग जो हमने बना के रखी है। जितनी आप स्टफिंग चाहें उतनी भर सकते हैं और बस इस तरह देखिए आप जैसे आलू के पराठे बनाते हैं उस तरीके से इसे अच्छे से दबा दबा करके ये देखिए फ्रेंड्स बनाते चले जाइए। और ये देखिए मैंने अब हम इसको तली बना के तैयार कर लिए। अब इसे हम करेंगे तेल को गर्म कर लिया है। अब इसे हम तलेंगे और एक एक करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पे तलते चले जाएंगे और इसे हम एक एक करके डाल देंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप बहुत ध्यान से इसे डालिएगा, जलने बिल्कुल भी नहीं। और पहले 1-2 मिनट के लिए आप ऐसे ही इसे छोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद इसे आप पलट लीजिएगा। और इसका फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। और बस इसे ऐसे ही तलते चले जाइएगा और ये बहुत ही कुरकुरी बन के तैयार हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसकी आवाज़ से ही पहचान सकते हैं। ये देखिए देखिए ये कितनी आवाज़ आ रही है आपको ना, ऐसे ही फ्रेंड्स ये बनती है। और आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही लाजवाब है, एकदम माउथ वाटरिंग डिश है और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपके शहर से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।